अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज यूनिट नंबर 2 एंड द सेकंड मॉड्यूल इज लैंग्वेज। एंड इन लैंग्वेज वी आर गोइंग टू सी द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा टेंस यूज होता है वो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। ठीक है, तो सेकंड जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जहाँ तक इसके स्ट्रक्चर का ताल्लुक है, तो स्ट्रक्चर इसका जो है वो बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि वो शख्स जिसके बारे में बात हो रही है, सबसे पहले उसका नाम आएगा। इसमें मैं प्रोनाउन भी हो सकता है, आई, वी, ही, शी, इट, या फिर किसी शख्स का नाम या फिर किसी चीज़ का नाम। प्लस हम करेंगे हैज़ और हैव। ठीक है, हैज़ का इस्तेमाल होगा या फिर हैव का इस्तेमाल होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो फिर हैज़ लगेगा, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो फिर हैव लगेगा, और ऐसे ही आई, वी और यू के साथ भी हैव का इस्तेमाल होता है। इसके साथ हम लगाते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल सीन, जैसे थर्ड फॉर्म जिसको कहते हैं वर्ब की, वो लगेगी। तो थर्ड फॉर्म लगाने के बाद आप आगे अपना सेंटेंस जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो असेंशियल जो इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, और उसके साथ आप लगाते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और उसके बाद आप जुमला कंप्लीट कर देते हैं। जो भी आपकी थॉट होती है उसको आप एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसको बनाया जाता है। जो इसकी नेगेटिव फॉर्म है, जाहिर है जब भी हम किसी टेंस की बात करते हैं तो उसमें एक तो अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस होता है, फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस होता है, और फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो जो नेगेटिव फॉर्म है इसकी, उसमें सब्जेक्ट इनके आई, वी, यू या फिर वो शख्स या वो चीज़ जिसके बारे में बात हो रही है, उसके साथ हैव नॉट या फिर हैज़ नॉट, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो फिर हैव लगेगा, और अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो उसके साथ फिर हैज़ नॉट लगेगा। ठीक है, और उसके साथ अगेन पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे, और फिर आप अपनी थॉट जो है उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, दे हैवेंट प्लेड बास्केटबॉल। सो दिस इज हाउ वी मेक द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वी यूज सब्जेक्ट प्लस हैव, हैवेंट और हैजेंट, और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल। फिर आगे हम अपनी थॉट कंप्लीट करते हैं। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसका, उसके शुरू में WH वर्ड आ सकता है, या फिर हैज़ और हैव को ही हम शुरू में शिफ्ट कर लेते हैं। हमने क्वेश्चन टाइप्स पढ़ी थी। ठीक है, तो हैज़ शी फिनिश्ड हर होमवर्क येट, तो हैज़ और हैव और जो पास्ट पार्टिसिपल है इसके बीच में सब्जेक्ट आता है, क्वेश्चंस के बीच में ना। ठीक है, तो हैज़ शी फिनिश्ड हर होमवर्क येट, और अगर इसका आंसर हम लिखेंगे तो यस आई हैव या यस शी हैज़, और अगर नेगेटिव में आंसर देंगे तो नो यू हैवेंट या नो ही हैजंट या नो आई हैवेंट। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी मेक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ लेट अस सी द फर्स्ट यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब और एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ, कि ये जो वक्त है जिस वक्त में अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा पहले या इससे पहले किसी अनस्पेसिफाइड टाइम। अनस्पेसिफाइड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा टाइम या ऐसा वक्त है जिसका मुतय्यन ना किया गया हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नीचे सेंटेंस लिखा है, आई हैव बीन टू पेरिस। आई हैव बीन टू पेरिस, कि मैं पेरिस जा चुका हूँ। ठीक है, अब इसमें हमें टाइम का नहीं पता कि टाइम कौन सा है कि ये बंदा पेरिस कब गया था, या फिर हम कह सकते हैं कि आई हैव ट्राइड दिस डिश बिफोर। ठीक है, आई हैव ट्राइड दिस डिश बिफोर। अब ये भी सेंटेंस है लेकिन अनस्पेसिफाइड इसमें टाइम है। जब अनस्पेसिफाइड आता है टाइम, हम किसी अनस्पेसिफाइड टाइम के बारे में बात करने लगते हैं, तो उसके लिए हम फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसका हम सहारा लेते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं। जो सेकंड इसका यूज है, इट इज यूज टू डिस्क्राइब रीसेंट इवेंट्स विदाउट अ डेफिनेट टाइम। अ टाइम एक्सप्रेशन मे एम्फसाइज रीसेंटनेस। ठीक है, कि एक रीसेंट इवेंट जिसमें हम टाइम को स्पेसिफाई नहीं करना चाहते,
लेकिन हम कुछ ऐसे मॉडिफायर्स या फिर ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं कि जो कि वक्त के रीसेंट होने का हमें बताते हैं, जिसमें लेटली का एक्सप्रेशन है या फिर रिसेंटली का एक्सप्रेशन है। ही हैज जस्ट स्कोर्ड अ गोल, ठीक है। ही हैज जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम हिज इंजरी, ठीक है। ही हैज रिसेंटली बीन टू पेरिस, ठीक है। मुख्तलिफ सेंटेंसेज हैं जिस अंदाज में हम इसको यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, ठीक है। थर्ड जो इसका यूज है वो है, द थर्ड यूज इज रिलेटेड टू, इट इज यूज टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट। एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में यानी कि माजी में किसी पॉइंट पे शुरू हुआ था और वो अभी भी जारी है, इट इज कंटिन्यूइंग एट द टाइम व्हेन वी आर स्पीकिंग और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट, जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। द टाइम पीरियड इज नॉट फिनिश्ड येट, अभी तक ये टाइम पीरियड खत्म नहीं हुआ जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। और टाइम अगर हमने ड्यूरेशन की बात करनी हो तो ड्यूरेशन के लिए हम फिर फॉर का यूज करते हैं, ठीक है, कि शी हैज लिव्ड हियर फॉर 3 ईयर्स। अब ये ड्यूरेशन की बात हो रही है, वक्त की बात हो रही है, कितने वक्त के लिए, ठीक है, और अभी भी वो वहीं पे रह रही है। और अगर हमने कोई स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम रेफर करना हो कि इस वक्त से लेके, तो उसके लिए फिर हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे ये नीचे सेंटेंस लिखा है, दे हैवंट सीन जॉन सिंस लास्ट मंथ, ठीक है। तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हो सकता है। सिंस का यूज हम करेंगे जब हम एक टाइम को स्पेसिफाई करेंगे कि इतने दौरानिये से, ठीक है, और जब हम एक ड्यूरेशन की बात करना चाहते हैं, एक लंबे दौरानिये की बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हम फॉर का यूज करते हैं। वही रूल्स हैं सिंस और फॉर के जो कि नॉर्मल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा चंद एडवर्ब्स हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ उसको अकम्पनी करते हैं, उसके साथ होते हैं और उसको जो है वो स्पेसिफाई करते हैं कि जो जुमला है ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, इसमें एवर, नेवर, जस्ट, ऑलरेडी और येट, ठीक है। ये चंद एक्सप्रेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, अब आगे इसकी एग्जांपल्स हैं कि आई हैव जस्ट मेट योर ब्रदर, ठीक है, आई हैव जस्ट मेट योर ब्रदर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी फिनिश्ड देयर होमवर्क, कि स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी यानी कि पहले ही अपना काम खत्म कर चुके हैं। ये इसकी अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस की एग्जाम्पल्स हैं। अब हम नेगेटिव एग्जाम्पल्स देखते हैं। वाई बी हैज नेवर ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, हैज नेवर ट्रेवल्ड बाई ट्रेन। नेवर और नॉट जो है ये दोनों नेगेटिव सेंटेंस को स्पेसिफाई करने के लिए यूज हो सकते हैं, नेगेटिव मतलब कंस्ट्रक्शन को इंडिकेट करते हैं। शी हैजंट फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट येट, कि उसने अपना प्रोजेक्ट अभी तक खत्म नहीं किया। सिमिलरली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अगर होंगे तो हैव यू एवर बीन टू बर्लिन, नो आई हैवंट, हैज शी कॉल्ड यू येट, नो शी हैजंट, ठीक है। तो ये इसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। मजीद कुछ एग्जाम्पल्स देखें, माई फैमिली विजिटेड द जू लास्ट ईयर, माई फैमिली हैज ऑलरेडी विजिटेड द जू, ठीक है। अब ऊपर वाला जो सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर वन, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है सिंपल पास्ट टेंस को, ठीक है। माई फैमिली विजिटेड द जू लास्ट ईयर, विजिटेड ईडी आ गया। अब हैज और हैव का चूंकि इस्तेमाल नहीं हुआ जुमले में, तो हमें पता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, बल्कि ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर जुमला। अगर इसी आइडिया को हमने प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर कन्वे करना हो तो हम कह सकते हैं कि माई फैमिली हैज ऑलरेडी विजिटेड द जू। अब इसमें हमने लास्ट ईयर यानी कि टाइम को स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है। अगर हम टाइम को स्पेसिफाई कर देंगे तो वो फिर आपका पास्ट टेंस बन जाएगा। तो हम इसको दूसरे अल्फाज में, अगर हम इसी जुमले को या इसी आइडिया को कि माई फैमिली विजिटेड द जू लास्ट ईयर, इसको हम अगर सिंपल सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर डिस्क्राइब करना चाहें तो हम कह सकते हैं माई फैमिली हैज ऑलरेडी विजिटेड द जू। तो पास्ट सिंपल का और प्रेजेंट परफेक्ट जो है, इनका आपस में डिफरेंस जो बनता है, मेन डिफरेंस ये है कि जो सिंपल पास्ट टेंस है उसमें हम टाइम को स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये वक्त है, ठीक है, ये मतलब के दौरानिया है, येस्टरडे हो गया, लास्ट वीक हो गया, अगो हो गया, जैसे भी हम एक टाइम लिमिट स्पेसिफाई करते हैं। और ऑन दी अदर हैंड जो आपका
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसमें अनस्पेसिफाइड टाइम की बात होती है, कोई एक एक्शन है जिसके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं और वो एक्शन एक अनस्पेसिफाइड टाइम पे अकर करता है, ठीक है। सो दैट विल बी द एंड ऑफ डिस्कशन ऑन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ वी आर गोइंग टू हैव लुक एट सम एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस। ट्रेवर एंड लॉरा आर डेकोरेटिंग देयर हाउस, पुट इन द वर्ब्स यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो लॉरा, हाउ इज पेंटिंग गोइंग, हैव यू फिनिश्ड? नो आई हैवन, पेंटिंग द सीलिंग इज ऑलरेडी डिफिकल्ट यू नो, आई एम नॉट, ठीक है, आई नॉट वेरी मच। तो आई नॉट और डू है, ठीक है। तो इसको अब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर कन्वर्ट करना है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो आई के साथ हमें पता है कि हैव का इस्तेमाल होता है और नॉट है, तो आई हैवेंट डू वर्ब है, तो इसको हम कर देंगे डन। तो आई हैवेंट डन वेरी मच, तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड इट लुक्स जस्ट द सेम एज बिफोर, द न्यू पेंट नॉट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। तो अब नॉट मेक हैज नॉट मेड, ठीक है, द न्यू दिस न्यू पेंट हैज नॉट मेड एनी डिफरेंस। लॉरा, यू नॉट पुट इनफ, हैव यू नॉट पुट इनफ ऑन, ठीक है। ट्रेवर, नंबर फोर, आई हर्ट माई बैक, आई हैव हर्ट माई बैक, इट फील्स बैड। लॉरा, ओह यू एंड योर बैक, यू मीन यू हैव इनफ ऑफ इट। तो ये इसमें यू हैव इनफ ऑफ डेकोरेटिंग आ जाएगा। सो यू हैव इनफ ऑफ डेकोरेटिंग, वेल आई विल डू इट वेयर डैश यू पुट द ब्रश, वेयर हैव यू पुट द ब्रश। ट्रेवल, आई डोंट नो डैश इट डिस अपीयर, इट डिस अपीयर, इट हैज डिस अपीयर्ड, ठीक है। इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं, ठीक है। इसी स्लाइड को या इसी एक्सरसाइज को हम आगे आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सेंटेंस नंबर 8, डैश आई लुक फॉर इट बट आई कॉन्ट फाइंड इट, आई हैव लुक फॉर इट बट आई कॉन्ट फाइंड इट। लॉरा, यू आर होपलेस आरंट यू, हाउ मच यू डू इन देयर, हाउ मच हैव यू डन इन हेयर, नथिंग, आई पेंट टू डोर्स, आई हैव पेंटेड टू डोर्स, ठीक है। ट्रेवर, नंबर 11, आई डैश क्लीन ऑल दिस ओल्ड पेंट अराउंड द विंडो, इट लुक्स मच बेटर नाउ डज इट। तो आई हैव क्लीन्ड आ जाएगा, ठीक है। और नंबर 12 है, डैश वी मेक सम प्रोग्रेस, वी हैव मेड, अगर हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वी हैव मेड सम प्रोग्रेस आई सपोज। नाउ वेयर, नंबर 13, दैट ब्रश गो, सो ये होगा वेयर हैव दैट ब्रश गॉन। नंबर 14, ओ डैश यू लीव इट ऑन द लैडर, यू हैव लेफ्ट इट ऑन द लैडर, ठीक है। तो अब आपको एक एक्सरसाइज जामा, एक एक्सरसाइज हमने की जिसमें एक पूरे मतलब के कॉन्टेक्स्ट के अंदर डायलॉग था और हमने कंटिन्यूसली जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके वर्ब्स को हमने यूज़ किया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। सो दैट इज एंड ऑफ दिस मॉड्यूल।